हाँ साला, इंस्टाग्राम और फेसबुक खोलो तो दिन भर बॉडी दिखा के कुछ लोग खड़े रहता है। यहाँ पे जिम जा रहे हैं, 1 साल हो गया, कुछ बन नहीं रहा है। क्या करे कि अब बॉडी बने। रितिका मैडम को फोन लगाते हैं, सुने बहुत अच्छी एकदम डाइट वाइट बना के देती है, उनका नंबर है, उनको फोन लगाते हैं और उनसे डाइट लेते हैं। हेलो हेलो, रितिका मैडम। हाँ पहचाने, हम विष्णु बोल रहे हैं। हाँ विष्णु, वो थोड़ा सा डाइट के लिए फोन किए थे, हमको भी थोड़ा वो बॉडी उडी सिक्स पैक सब बनाना था। ये फेसबुक इंस्टाग्राम में ना लोग देख के परेशान हो गए, अब हमको भी बनाना है, थोड़ा डाइट बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ना, एक पेन और एक पेपर लो ना, लिख लो, मैं बता देती हूँ। पेन? हाँ पेन पेपर है ना, सब है। हाँ तो क्या खाना है? हाँ लिखो, एक कटोरी राइस। एक कटोरी राइस, अच्छा अच्छा। एक कटोरी दाल। हाँ एक कटोरी दाल, अच्छा अच्छा। 2 पीस चिकन ले लेना। और 2 पीस चिकन, अच्छा ठीक है। और रात में 1 कटोरी ओट्स। और रात में 1 कटोरी ओट्स, अच्छा अच्छा। 1 कटोरी वेजीज ले लेना। और 1 कटोरी सब्जी। तो मैडम ये सब कुछ तेल उल तो एकदम नहीं लेना है ना? ऑयल कितना, 2-4 चम्मच ले लेना। अच्छा लेना, 2-4 चम्मच कैसे भी ना, अच्छा ठीक, 2-4 चम्मच तेल। ठीक है मैडम, इससे बॉडी मेरा बन जाएगा ना मैडम 1 महीना में? हाँ हाँ 100% वेट लॉस होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू एकदम, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है चलो तुम डाइट शुरू करो, ठीक है, ओके बाय बाय। अब बनाएंगे मस्त बॉडी सब खा के। डाइट का पहला दिन, 1 कटोरी राइस, चलो खाते हैं, बहुत भूख भी लगा है। राइस, एक कटोरी तो बहुत छोटा है मैडम, इतनी बड़ी कोच इतनी बुड़बक तो होगी नहीं कि 1 कटोरी बोली होगी, दूसरा कटोरी देखते हैं। ये ठीक लग रहा है लेकिन इससे पेट भरेगा क्या? नहीं नहीं मैडम, 1 कटोरी बोलिए, कोई भी कटोरी ले लो, उसमें क्या 1 कटोरी चावल खाने से मतलब है ना, ये भी तो कटोरी है। आज भर के पेलेंगे चावल और बनाएंगे बॉडी, अब कैसे नहीं बनेगा बॉडी हम भी जरा देखते हैं। आओ आओ इधर। 1 महीना हो गया है, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 2 पीस चिकन, जैसा मैडम बोली थी वैसा खा रहे हैं, उल्टा बॉडी उड़ी बन नहीं रहा, उल्टा लगता मोटे होते जा रहे हैं। 1 महीना से मैडम को फोन भी लगा रहे, लगता ही नहीं है, क्या करे, अब कैसे बनेगा बॉडी। Hey guys, welcome to Ritika and Vishnu. Hope you guys are doing great. So guys, अभी आपने देखा कि विष्णु कितना कंफ्यूज था अपने पोर्शन साइजेस को लेकर के। उसके कोच ने उसे बोला कि 1 कटोरी दाल ले लो, 1 कटोरी राइस ले लो, एंड उसे पता ही नहीं था कि कौन से साइज की कटोरी यूज करनी है। सो इस केस में क्या होगा कि कभी वो ओवर ईट करेगा, कभी वो अंडर ईट करेगा। एंड गाइज, बहुत लोगों को लगता है कि अंडर ईट करने से क्या होगा कि आपका फैट लॉस जल्दी होगा, बट आपका हेल्दी वे में नहीं होगा वो फैट लॉस। सो और इस केस में क्या होगा कि आप एवरी डे एक कंसिस्टेंट कैलोरीज भी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। राइट, और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फूड को मेजर करो। सी, 1 कटोरी कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने देखा कि कैसे मैं कंफ्यूज था, 1 कटोरी, ये भी 1 कटोरी है, राइट। इस केस में आप बहुत अंडर ईट कर सकते हो, ये भी 1 कटोरी है एंड ये भी 1 कटोरी है, राइट। सो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये कटोरी में खा लो, ये सब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि लोग कैसे ऐसा डाइटिंग करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है, एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं भी आपका अवेलेबल है, आजकल तो नॉर्मल स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, गेट अ फूड वेइंग स्केल।
एक बेसिक सा 300 या 400 रुपए का मैक्स आता है एंड ये इट डज द जॉब वेरी वेल। आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करो एंड इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है आपको कुछ नहीं, इस पर आप जो भी कटोरी यूज़ करना चाहते हो आप इसको रखो, इसको टेप दबा के जीरो पे सेट करो एंड उस पर अनकुक्ड, बेस्ट है कि आप अनकुक्ड फूड को मेजर करो। राइस 50 ग्राम यूज़ करो तो 50 ग्राम्स अनकुक्ड आपने मेजर करके निकाल लिया, दाल 50 ग्राम्स आपने अनकुक्ड करके मेजर करके निकाल लिया, तो इसमें क्या होगा कि आप किसी भी वे में अगर कुक करोगे, पानी ज़्यादा हो गया, कुकिंग का स्टाइल कुछ भी गड़बड़ हो गया, ये 50 ग्राम तो 50 ग्राम ही रहने वाला है, राइट। इससे क्या होगा आप डेली बेसिस पे कैलोरीज भी मेंटेन कर पाओगे एंड प्लस आपको पता रहेगा कि आप कितना खा रहे हो, राइट। और ऑयल भी है तो देखो अब उसने जैसे उसके कोच ने बोला कि आप 2 चम्मच या 4 चम्मच यूज कर लो, 1 ग्राम ऑफ ऑयल हैज 9 कैलोरीज, तो आप वो सोचो कि अगर कितना ज्यादा वो डिफर करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ अपना ऑयल तक मेजर करो। प्लस जैसे कि आप दाल में जैसे विष्णु से बोला आप लोग का पानी हो गया या कभी हम लोग टोमेटोज यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ करते हैं तो उसका भी वेट ऐड होता है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेजर रॉ फूड। गाइज बहुत बार मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे कि अरे तोल के खा रहे हो, ये क्यों मेजर कर रहे हो एक एक चीज़। सी आप छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग आप कितने भी कुछ अच्छा कर लो वो सोचने ही वाले हैं कुछ ना कुछ, राइट। वो तो बोलेंगे ही कुछ, तो ये सोचो कि ये आपका गोल है, आप अपने गोल के साथ फोकस्ड रहो एंड आप ऐसे मेजर करोगे तो आप कैलोरीज तो मेंटेन कर ही पाओगे प्लस आप अपने आप देखोगे इसका रिजल्ट, आप खुद देख पाओगे कि आप अनकुक्ड फूड मेजर करके जब खा रहे हो तो आपका रिजल्ट कितना अच्छा बेटर हो सकता है। सो गाइस बहुत बार हमें ये क्वेरी आता है, लाइक क्लाइंट्स बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग ऐसे मेजर करके अपना खाना अलग बनाओ फैमिली के साथ। सो देखो इट्स फाइन, एक बार आप फिट हो गए उसके बाद जब आपको मेंटेन करना है तो आप कोई बात नहीं, आपको क्या होगा एक आइडिया हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम। उसके बाद क्या है कि आपको जब पोर्शन साइजेस का आइडिया हो गया तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपना पोर्शन उसके साथ लाइक फैमिली के साथ कुक करके अपना पोर्शन उसको अलग कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप एथलीट हो या आप चाहते हो कि आपकी फिजिक नेक्स्ट लेवल हो तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप ईच एंड एवरी फूड आइटम को लास्ट ग्राम तक अपने फूड वेइंग स्केल के पे मेजर करके ही लें, तभी आप कैलोरीज को ट्रैक कर पाओगे। इनफैक्ट इफ यू टेक आर एग्जांपल, हम करीब 3 से 4 साल हो गए हैं अब हम एवरी डे अपना फूड मेजर करके अलग अलग ही बनाते हैं क्योंकि हमारा गोल स्पेसिफिक है बहुत कि हमको इतना कैलोरीज ही लेना है, सो वी नीड टू ट्रैक ईच एंड एवरी ग्राम इन आवर डाइट। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि इवन जब हम चीट भी करते हैं ना तो भी मुझे मेजर करके सब कुछ बनाना पड़ता है। So hopefully guys आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सो स्टार्ट यूजिंग अ फूड वेइंग स्केल टू मेजर योर फूड। Yes, so guys, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, so don't forget to hit the like button and also subscribe to our channel. Don't forget to hit that bell icon so that whenever we upload a video, you get a notification. And also guys, don't forget to follow us on Instagram. The link is in the description box. Bye-bye. Bye-bye.